प्लीज कट आउट द क्रैप, क्या तमाशा है। वेलकम टू जीकेवी गाजी के ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। आज मेरी टोन में आपको थोड़ी सी गंभीरता नज़र आ रही होगी, क्योंकि ये टॉपिक ही ऐसा है। मतलब मेरा पिछला व्लॉग मैंने जो डाला शिहाब चित्तूर भाई के ऊपर, उनका बहुत ही अच्छा रिस्पांस आया है मुझे, और बहुत ही पॉजिटिव रिस्पांस दिया आप लोगों ने। बहुत ही फेमस हुआ है मेरा वो व्लॉग, व्यूज़ काफ़ी सारे गए एंड एवरीथिंग ऑल दैट। लेकिन गाइज, मैं आज खास एक बात बोलने के लिए आया हूँ। मेरा दिल बहुत ज़्यादा दुखा है, क्योंकि मैंने ना कई दिनों से मैं नोटिस करता आ रहा हूँ कि जितना लोग अप्रिसिएशन में हैं इनके लिए, जितना लोग एनकरेजमेंट कर रहे हैं, जितना लोग काफ़ी सारे लोग बहुत ही ज़्यादा दिल से दुआएं दे रहे हैं, तो जाहिर सी बात है अगर दुनिया में अच्छाई है तो बुराई भी है। कितने लोगों को मैंने सुना कि मतलब इसमें बहुत से सारे बड़े बड़े लोग भी हैं जिनका मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ, वो कह रहे हैं कि मतलब ये शिहाब भाई बहुत गलत कर रहे हैं, ये सही नहीं कर रहे हैं। बहुत सी सारी चीज़ें अलग अलग तरीके से अलग अलग लोग अपने अपने व्यूज़ दे रहे हैं। ठीक है, व्यूज़ देने का सबको हक है, हर कोई अपने अपने व्यूज़ दे सकता है, वी आर लिविंग इन अ डेमोक्रेटिक कंट्री। ठीक है, लेकिन मेरा एक बोलना है भाई, ये क्या काम कर रहे हैं मेरे को ये बताओ। ये तो दीन इस्लाम का काम है, और इतनी पाक नीयत से, इतनी पाक जगह जाने के लिए एक बंदा अपने घर से निकला है, मशक्कतें कर रहे हैं, वो सारी चीज़ों को झेल रहे हैं, वो चल रहे हैं, वो भाई पैर दूसरे आप लोगों के क्यों दुख रहे हैं सब चीज़ों के। काफ़ी सारी वीडियोस मैंने देखा, काफ़ी सारी चीज़ें सुना, लोगों की बातें, बहुत से लोगों ने उसके पर एतराज़ जताया कि नहीं, इस्लाम में ये बिल्कुल नहीं है, जायज़ नहीं है, ऐसे चल के नहीं जा सकते। तो मेरे भाई लोग, मुझे एक बात बताओ, पहले के दौर में जब हवाई जहाज़ नहीं थे, एरोप्लेन्स नहीं थे, तब लोग कैसे जाते थे? हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में जब इतनी सारी फैसिलिटीज़ नहीं थी, तो लोग कैसे जाते थे हज को? अगर कहीं एक शहर से दूसरे शहर या एक देश से दूसरे देश जाना, तो पैदल पे, ऊँट की सवारी पर और घोड़े पे, या बाद में उसके बाद थोड़ा एडवांस हुआ तो पानी के जहाज़ आए। तो ये सारी चीज़ें, तो ये फतवे आप लोग कहाँ से लेके आते हो, मेरे तो समझ में नहीं आता। अगर आप अच्छा नहीं कर सकते किसी के लिए, उनके लिए मोटिवेशन नहीं कर सकते, तो इनके लिए ये भी एक चीज़ अच्छी होगी कि आप अपना मुंह बंद रखिए और अपनी जो क्या कहते हैं, अनउपजाऊ मतलब अनवांटेड चीज़ें हैं वो अपने तक ही रखिए, वो दूसरों तक के मत नेगेटिविटी फैलाइए। बिकॉज ये भी उनके लिए एक बहुत ही अच्छा मोटिवेशन हो जाएगा कि ऐसे लोग अपना मुँह बंद करिए, अगर आपसे नहीं देखा जा रहा है, प्लीज़ स्किप द चैनल, प्लीज़ स्किप द वीडियो जो भी आपके सामने आती है अगर शिहाब भाई की, प्लीज़ कट आउट द क्रैप। और हाँ, एक ये भी मेरे सुनने में आया, किसी ने कहा कि अरे इंडिया से सऊदी अरेबिया के बीच में दरिया पड़ती है, तो पैदल ये दरिया कैसे पार करेंगे? अरे मेरे प्यारो, थोड़ी सी अक्ल लगाओ, थोड़ा इंटरनेट का ज़माना है, हर चीज़ इंटरनेट पे अवेलेबल है, थोड़ी रिसर्च कर लो अपना मुँह खोलने की, पहले आप जाके थोड़ी रिसर्च कर लीजिए। इंडिया से अगर मैं सऊदी अरेबिया जाने के लिए बीच में बेशक दरिया है, लेकिन जो ये इनका रूट है, मैं तो भाई आपको रूट दिखा रहा हूँ, जो यहाँ से होते हुए पाकिस्तान से होते हुए ईरान, इराक, कुवैत और फिर सऊदी अरेबिया, तो रूट ऐसा है कि बाय वॉक इंसान इसमें बीच में दरिया नहीं पड़ेगा। तो किसी ने मुझसे कहा, पूछा था कि अगर तुमने तो ये वीडियो जो डाला, कल मैंने ब्लॉग डाला था इनके ऊपर, उस पर किसी ने पूछा कि आपने ये वीडियो डाले, क्या ये पॉसिबल है? दिस इज़ ऑल पब्लिसिटी स्टंट, पब्लिसिटी के लिए ये कर रहे हैं खाली, और कुछ नहीं होने वाला, आप देखो दूसरे देश में तो। और तो मैं एक चीज़ और बता दूं कि भाई आप अपने होके इतनी एतराज़ जता रहे हो, लेकिन हमारे नेबरिंग कंट्रीज है, तो आप पाकिस्तान में पहुंच चुके हैं, शिहाब भाई पहुँचने वाले हैं आई मीन, तो उनका रिएक्शन क्या था, ये वीडियो आप पहले देखिए, फिर उसके बाद मैं आपको और आगे बताता हूँ। अस्सलाम वालेकुम प्यारे पाकिस्तानियों, ये मेरा मुसलमान भाई शहाब, जो कि पैदल केरला से मक्का शरीफ 2023 हज के लिए निकला है, और ये अभी गुजरात इंडिया पहुंचा है, इंशाल्लाह कुछ ही दिनों में ये पाकिस्तान की हदूद में दाखिल हो जाएगा। तो मेरी बलूचिस्तान और सिंध के प्यारे पाकिस्तानियों से गुजारिश है कि हमारी मेहमान नवाजी में किसी भी किस्म की कमी नहीं होनी चाहिए, और इसकी ऐसी मेहमान नवाजी की जाए कि सारी दुनिया देखे, क्योंकि ये हमारा मेहमान नहीं बल्कि अल्लाह का मेहमान। देखा आपने, हमारे नेबरिंग कंट्री वाले हमारे से ज्यादा एक्साइटेड है एक पराए परदेसी को वेलकम करने के लिए, जो एक नेक मकसद के लिए दिखा है निकला है। तो ये जितने भी बड़े बड़े लोग हैं जो भी दीन के ठेकेदार बने फिरते हैं और ऐसे फतवे जारी करते हैं कि ये सही नहीं है, ये सही नहीं कर रहे, इस्लाम में जायज़ नहीं, अरे भाई हम लोगों से और हमसे और आपसे तो मोहल्ले की मस्जिद तक के जाया नहीं जाता नमाज के टाइम पे। ये बंदा अगर निकला है हज करने के लिए नीयत से,
बाय वॉक, भले वो जैसे भी पहुँचे जो भी पहुँचे, वो उसकी अल्लाह उसकी मदद करे और इंशाल्लाह करेगा, क्योंकि नीयत अच्छी है तो बिल्कुल अल्लाह मदद करेगा, वो उसका लुकआउट है। आप लोग अपनी ज़बान तो एटलीस्ट बंद रख के इतनी हेल्प कर सकते हैं कि अपनी ज़बान बंद रखिए, नेगेटिविटी मत फैलाइए। मैं प्लीज़ रिक्वेस्ट करता हूँ, आप सभी लोग बहुत समझदार है, बहुत ही अक्लमंद दानिशमंद है। मैं तो एक जस्ट एक मेरे वीडियो के माध्यम से, मेरे चैनल के माध्यम से एक छोटी सी बात पहुंचाना चाहता था कि प्लीज़ अगर कोई बंदा अच्छा है, कर रहा है, तो उसे अच्छा करने दो। अगर आप सपोर्ट कर सकते हैं तो वेल देन गुड, दुआएं दीजिए कि अल्लाह उनका सफ़र आसान करे, बहुत उनके लिए आसानियां पैदा हो। लेकिन अगर आप नहीं कर सकते तो प्लीज़ स्किप दिस वीडियो, ये भी वीडियो मत देखो, मैं तो बोलूँगा मेरी भी वीडियो मत देखो, इसको भी स्किप कर दो। तो प्लीज़ नेगेटिविटी मत फैलाइए और इतना हंगामा शिहाब भाई के नाम पे करने का छोड़ दीजिए। और बाकी मेरी ये दिल से दुआ है शिहाब भाई के लिए कि वो अपने मकसद में कामयाब हो और होकर दिखाए ऐसे लोगों को। थैंक्स फॉर वॉचिंग GKV, और ऐसी अपडेट्स मैं इंशाल्लाह डालता रहूँगा। जो फर्स्ट टाइम चैनल पे आए, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक करिए, और हाँ मुझे आप अपना भी कॉमेंट बताइए कि आपकी क्या राय है, मैं कितना सही हूँ, मैं कितना गलत हूँ, आप भी मुझे भी बता सकते हैं कॉमेंट के अंदर। अल्लाह हाफिज़।